दोस्तों, मैं डॉक्टर एस एल पारक, होम्योपैथी प्रैक्टिशनर, इंदौर। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव के कारण जो विश्वव्यापी हाहाकार मचा हुआ है, उसके कारण से आज विपरीत परिस्थिति बन गई है। अब हमने इस चिकित्सा पद्धति को लेके यह सोचना शुरू किया है कि हम होम्योपैथी के द्वारा भविष्य में कोरोना के कारण से जो समाज के ऊपर, लोगों के ऊपर जो दुष्प्रभाव पड़ेगा और उसके कारण हम कैसे उन लक्षणों को रोक सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं और क्या चिकित्सा पद्धति कर सकते हैं। अभी जो कोरोना का माहौल चल रहा है, उसमें एक चीज ये देखी जा रही है कि कई लोग पूजा पाठ में व्यस्त हो गए हैं। वो तरह तरह की मालाएं फेर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं। जरूरी भी है, अच्छी बात है, लेकिन ये एक समयबद्ध किया जाए तो ठीक है, लेकिन यदि ये दिनचर्या में आ जाएगा, एक पागलपन बन जाएगा, एक तरह का मेनिया बन जाएगा, तब ये मान के चलिए कि ये विपरीत परिस्थिति पैदा हो गई है। और इस विपरीत परिस्थिति के लिए आपको होम्योपैथी की जरूरत पड़ेगी। इसे हम कहेंगे रिलीजियस एक्साइटमेंट, या हम कहेंगे फियर ऑफ बीइंग इंजर्ड, कि मुझे क्षति पहुंच रही है, अब मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, इस दुनिया का क्या होगा, एक सोच बन जाएगा। इंसान विपरीत परिस्थिति पे चला जा रहा है। एक ये व्यवस्थाओं के लिए हमारे पास एक दवा है, स्ट्रेमोनियम। उस स्ट्रेमोनियम से हम ऐसे लोगों को ठीक कर सकते हैं। अब मैं और आगे बात करता हूं कि आज परिवार का कोई व्यक्ति मर जाता है कोरोना वायरस के कारण, लोग उसको घर के अंदर नहीं आने देते हैं। लोग यदि जैसे ही पता चला कि कोरोना वायरस से पीड़ित है तो उससे दूरी बना के रखते हैं। निश्चित ये जरूरी है जिससे कि दूसरे लोग संक्रमित नहीं हो, लेकिन इंसान यदि व्यक्ति अपनों से दूर होने लग जाए, अपने बच्चे से दूर हो जाए, अपनी बीवी से दूर हो जाए, समाज से दूर होने लगे और ये दूरी उसके अंदर एक घर बना ले, वो हार्ड हार्टेड हो जाए, वो इनएक्सोरेबल हो जाए, वो इतना ऐसा कठोर हार्ड का हो जाए कि वो किसी भी तरीके से द्रवित नहीं हो रहा हो, किसी भी तरीके से वो निष्ठुर बन गया हो, सामाजिक रिश्तों में एक दूरी बनने लगेगी, क्योंकि उसको फियर ऑफ डेथ रहेगा, कहीं मैं नहीं मर जाऊं, फियर ऑफ मिसफॉर्च्यून रहेगा, कहीं मेरी मृत्यु नहीं हो जाए, कोई अनहोनी नहीं हो जाए। लेकिन ये चीजें अगर समाज में बन गई, व्याप्त हो गई, और यदि कई लोग इससे ग्रसित हो गए, उनके मन में एक तरह का डर बैठ गया, तो ऐसे लोगों का क्या किया जाए? हम उनको समाज से बाहर तो नहीं निकाल सकते, क्या करेंगे हम लोग ऐसे लोगों का? उसके लिए जवाब है होम्योपैथी के पास। हमारी काली आयोडाइड दवा ऐसे लोगों को ठीक करेगी। और देखिए, कोरोना वायरस के कारण कई लोग अपनों को खो देंगे, किसी की पत्नी चली जाएगी, किसी का बेटा चला जाएगा, किसी के पिताजी चले जाएंगे, किसी का घर का कोई नियर एंड डियर चला जाएगा। लेकिन यह संताप, यह वेदना, यह दुख, यह आघात बरसों तक इंसान के दिल में बैठा रहेगा। और इस आघात को दूर करने के लिए हमारे पास रामबाण दवाइयां है होम्योपैथी के लिए। होम्योपैथी के पास हम ऐसे लोगों को ठीक कर सकते हैं। कोरोना के आफ्टर इफेक्ट को मिटाने के लिए हमारे पास इग्नेशिया जैसी महत्वपूर्ण दवाई है, जिसमें की गहरी पीड़ा, डीप सारो, साइलेंट ग्रीप भरा हुआ है, वो व्यक्ति उससे उबर ही नहीं पा रहा है। रिश्तों में जो दूरी आ गई है, ऐसे लोगों के लिए दवाइयां है नेट्रम्यूर। नेट्रम्यूर दवाई के लिए जहां हमारे रिलेशंस में दूरी आ गई, हम एक दूसरे से दूर होने लग गए, हमारा कोई चला जाए और उसके कारण हम पीड़ा सहन नहीं कर पा रहे हैं, जिन जिन लोगों को नेट्रम्यूर लगेगी, यदि हम उनका सोडियम और क्लोराइड टेस्ट कराएंगे लेबोरेटरी में, तो वो या तो कम मिलेगा या बहुत बहुत ज़्यादा मिलेगा।
ऐसी स्थिति में हमारी नेटरम्यूर दवा काफी उपयोगी साबित हो सकती है। और हम देखें, हम एक चीज ये भी देखेंगे कि व्यक्ति मान लो कोरोना से ठीक हो गया और ठीक होके घर आ गया, लेकिन कोरोना से ठीक होने के बावजूद उसके मन में यदि उसको वो यादें बनी हुई है, उसे किसी बीती हुई दर्दनाक घटना के द्वारा क्लेश पहुंचाकर पीड़ित किया जा रहा है, उसको ये बार बार फील होगा, ही इज परसिक्यूटेड एंड टॉर्मेंटेड बाय अ सीन ऑफ सम मॉर्नफुल इवेंट ऑफ द पास्ट। ऐसे लोग यदि उनको ये फीलिंग बनी रही तो उनको हमेशा रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र की समस्या बनी रहेगी, उनको हमेशा बेचैनी और डर बना रहेगा, भविष्य की हर छोटी सी उत्तेजित करने वाली घटना से उन्हें खांसी आने लग जाएगी। ऐसे लोगों के लिए हमारे पास एक स्पंजिया दवा है। ऐसे लोग, उनकी आंखों से हमेशा चिपचिपा डिस्चार्ज निकलता रहेगा, उन्हें बार बार सर्दी होती रहेगी, उनका नाक बंद और चालू होता रहेगा। आप बताइए, कोरोना तो चला जाएगा लेकिन अपने कितने दुष्प्रभाव छोड़ जाएगा। ऐसे लोगों को यह भी लगेगा कि मेरे सीने पे कोई वजन रखा हुआ है, कोई भारी पत्थर रखा हुआ है, कोई मुझे दबा रहा है, मुझे किसी भी तरीके से कोई व्यक्ति परेशान कर रहा है। वो व्यक्ति रात को जब सोएगा तो उसको ये भ्रम होगा कि कोई वजन उसके ऊपर पड़ गया है, कोई व्यक्ति उसके सीने पे बैठ गया है, कोई उसके साथ कुछ हरकत कर रहा है। उसको कोरोना के वो डरावने सपने आ सकते हैं, वो इमेजेस दिख सकती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या हमारे पास ऐसे लोगों को, इस तरह के इमेजेस को लेकर चलने वाले लोगों के लिए हमारे पास कोई दवाइयाँ रहेगी? क्या हम उनका उपचार कर सकते हैं? तो मेरा यह जवाब है कि हाँ, निश्चित रूप से हम कर सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए भी हमारे पास उपचार रहेगा। हमारी दवा होती है सिरस बेना बोना प्लेंडी, जो कि फैमिली कैक्टेसी की होती है। यदि इस दवा का समुचित और लक्षणों को मिलाकर यदि चयन किया जाता है तो निश्चित रूप से ऐसे भयाक्रांत लोग जिनके जीवन में कोरोना से ठीक होने के बाद भी उसकी यादें, उसके विचार, उसके भाव, उसके दर्द भरे सीन अगर मौजूद है तो उसको मिटाया जा सकता है, उनको ठीक किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे भी लोग रहते हैं, रहेंगे, आपको मिलेंगे कि वो सोने की कोशिश तो करेंगे लेकिन उसके बावजूद भी वो सो नहीं पाएंगे, क्योंकि वो कोरोना वाली यादों से, इन घटनाओं से, इन दिनों से अपना पीछा नहीं छोड़ा पाएंगे। तो उनके लिए हम क्या करेंगे? उनके लिए हम देंगे दवाई, केलकेरिया सल्फ दवा देंगे और उससे वो ठीक होंगे। कुछ लोगों को ये लगेगा कि हम किसी पावरफुल इन्फ्लुएंस के अंडर में हैं, हम किसी दबाव में हैं, कोई ऐसा है हमारे आसपास जो हमको अपनी पकड़ में ले रहा है। जैसे जब हम देखते किसी को भूत प्रेत लग जाता है तो कैसे फील करता है व्यक्ति, कई लोग आके कहते हैं इनको बाहरी हवा है। तो ऐसे लोगों के लिए भी हमारे पास उपचार रहेगा। और मैं आगे बात करता हूँ कि आज जब कोरोना का दौर चल रहा है तो हमको कितना डर लग रहा है, कैसा लग रहा है, कहीं हम कोई छुए नहीं, कोई हमें टच नहीं करे, है ना। हमको हमेशा ये फील होता है कि वी आर सराउंडेड बाय एनिमीज, हमारे चारों तरफ दुश्मन है, एक कोरोना नाम का दुश्मन, एक कोरोना के लाखों मिलियंस ऑफ वायरस हमारे चारों तरफ घूम रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये विचार अगर स्थायी बन जाता है तो बीमारी का रूप ले लेगा। ऐसे लोगों में मुंह में छाले होने की प्रवृत्ति बन सकती है, ऐसे लोगों के गले दुखने की प्रवृत्ति बन सकती है। तो इसको रोकने के लिए
उन्हें मरक्साल दवा दी जा सकती है। कई बार हम ये भी देखेंगे कि लोगों के लीवर कमजोर हो जाएंगे, लोगों को पेट में तकलीफ होने लगेगी। जरा सी बात, कई बार जरा सी घटना मान लो कहीं सुन ली कि पास के कॉलोनी में एक को कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो गया और उसको क्वारंटाइन किया गया, लेकिन इसका एग्जागरेटेड रिस्पॉन्स आ सकता है और ये एग्जागरेटेड रिस्पॉन्स व्यक्ति को पेट की खराबी पैदा कर सकता है, लीवर में तकलीफ पैदा कर सकता है। वो ज़्यादा बात करने लगेगा, वो बोलने लगेगा, अपनी शिकायतें बताने लगेगा, तो ऐसे लोगों को होम्योपैथी की लीवर से संबंधित दवाइयाँ दी जा सकती है और उनको काफ़ी फायदा पहुँच सकता है। अब आप देखिए कि लॉकडाउन की स्थिति में हम देख रहे हैं कि व्यक्ति अपने घर में रह रहा है, घर से बाहर नहीं जा रहा है, उसके घर की एक अपनी दुनिया हो गई है। उस दुनिया में हम ये देख रहे हैं कि वो उसी दुनिया के बारे में सोच रहा है जहाँ पे सब कुछ स्पष्ट है, उसका घर है, उसके परिवार के लोग हैं, लेकिन ये जिंदगी की अगर आदत बन गई तब क्या होगा, तब उसको लगेगा कि घर के बाहर कुछ भी निश्चित नहीं है। जैसे एक बच्चे को इंक्यूबेटर में रख दिया जाता है, वो एक लॉकडाउन जैसी स्थिति है। ये सब बातें यदि मन पे बहुत गहरा असर छोड़ जाएगी, गहरा प्रभाव छोड़ जाएगी, तो बीमारियों का ढेर लग जाएगा कोरोना के बाद। लेकिन उनसे बचेंगे, किसी भी तरीके से बचेंगे, उन पे विजय पाएंगे, लेकिन किससे? होम्योपैथी के द्वारा। लोग डिसओरिएंटेड होने लग जाएंगे, भौचक्के होने लग जाएंगे, बिविल्डर्ड हो जाएंगे, उनको कुछ भी समझ नहीं पड़ेगी, ऐसे लोग भी मिलेंगे आने वाले समय पे। इसके लिए भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आप देखिए कि कोरोना का जो हम रोज़ नीच नए समाचार सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर इस डर के कारण एक भय की स्थिति व्याप्त हो जाएगी। इसे हम कहेंगे फियर ऑफ फ्राइट। फियर ऑफ फ्राइट मतलब डर जाने के बाद का भय। तो हमारे पास उसके लिए भी कुछ मेडिसिन रहेगी। इसमें कुछ लोग ऐसे कैटेगरी के रहेंगे जो बिल्कुल एनेस्थाइज हो जाएंगे, उनको कोई चीज़ का पता नहीं लगेगा, उन्हें कॉन्स्टिपेशन रहने लग जाएगा, उनको ये जो पेनफुल कंडीशन है वो बिल्कुल पेनलेसनेस में बदल जाएगी। ऐसे लोगों के लिए भी हमारे पास मेडिसिन रहेगी। और देखिए, आज कोरोना के कारण कई बिजनेसमैन, इनके बिजनेस उखड़ जाएंगे, उनको मॉनेटरी लॉस होने लग जाएगा या लॉस हो रहा है, उनके अंदर टाइफाइड की सिचुएशन बनने लगेगी, वो टाइफाइड से पीड़ित होने लग सकते हैं, जैसा कि होम्योपैथी सिम्टम्स कहते हैं। तो ऐसे लोगों में भी हमारे पास उपचार रहेगा। कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि हमारी रेपुटेशन ख़त्म हो रही है, क्योंकि बहुत कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ड्यूटी कॉन्शियस होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अपने की हुई बात पे अडिग होते हैं, अपनी बात को तामील में लाते हैं, अपनी कही हुई बात पे दृढ़ निश्चय होते हैं। तो ऐसे लोगों को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लग सकती है। कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो अपने परिवार का, अपने आसपास के लोगों की बहुत ज़्यादा चिंता करेंगे, और उस चिंता से उन्हें और भी विपरीत परिस्थिति आ सकती है, उन्हें पैरालिसिस जैसे रोग भी हो सकते हैं, उन्हें हाथ पैरों में कमजोरी भी आ सकती है, उनके अंग शिथिल भी पड़ सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए भी होम्योपैथी के पास उपचार रहेगा। अब एक चीज़ और कोरोना में हमने देखी कि बहुत सारे लोग घर से बेघर भी हो गए हैं, वो काफ़ी दूर है घर से, उनको घर की याद सता रही है, वो घर आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं, आ नहीं सकते हैं, क्योंकि मजबूरी है, उनके स्वयं की भी मजबूरी और एक निश्चित मजबूरी जो उनको नहीं भेज सकते, नहीं ला सकते। तो ऐसे लोगों में होम सिकनेस जो डेवलप हो रही है उसके कारण से उनमें कई तरह की वीकनेस आ जाएगी, और ये वीकनेस उनको इतना वीक बना देगी कि वो काम करने के लायक भी नहीं बच सकते हैं। वो स्ट्रगल करेंगे, आने के लिए स्ट्रगल करेंगे, लेकिन स्ट्रगल करते करते थक जाएंगे और कोलैप्स हो जाएंगे।
ऐसे लोगों के लिए भी हमारे पास फास्फोरिक एसिड दवा रहेगी। हम फास्फोरिक एसिड दे के उनको ठीक करेंगे, उनको उनके घर तक पहुंचाएंगे, उनको व्यवस्थित बनाएंगे। अब एक घटना और भी हो सकती है कि चूंकि आज परिवार साथ में रह रहा है, सब लोग एक साथ में हैं, तो परिवार में जब सब लोग एक साथ जुड़े रहेंगे तो उनमें अंतर कलह भी होना निश्चित है। जरूरी नहीं कि 24 घंटे ही शांति व्यवस्था रहेगी, तो ऐसे अंतर कलह के कारण भी कई लोगों को कई तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। उसमें खास करके पेट के रोग हो सकते हैं, पथरी की समस्याएं हो सकती है, मुंह में छाले हो सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए भी होम्योपैथी काफी कारगर साबित हो सकती है। अब कुछ लोगों को यह भी लगेगा, उनको कोरोना का भय इतना लगेगा कि उनको ये लगेगा कि कोरोना का वायरस कहीं मेरे बिस्तर के नीचे तो नहीं आ गया, कहीं मेरे पास में तो नहीं बैठा हुआ है। तो ऐसे लोगों के लिए भी हमारे पास उपचार रहेगा। और हमेशा एक चीज तो निश्चित ही बनी हुई है जो रात दिन हमारे दिमाग में चल रही है, और वो है फियर ऑफ इन्फेक्शन। वो है फियर ऑफ इन्फेक्शन। तो इस फियर ऑफ इन्फेक्शन के लिए हमारे पास, यदि ये फियर ऑफ इन्फेक्शन वाली जो बात है, यदि ये घर कर गई, हमारे मन में बैठ गई, तो हम इनसिक्योर हो जाएंगे। हमको हर चीज़ से डर लगेगा, हमको यहाँ तक कि ऊंचाई से नीचे देखने पे भी डर लगेगा, हमको कोई बड़ी वस्तु देखेंगे तो भी डर लगेगा। ये जब डर की वस्तु स्थिति बन जाएगी, तो हम इस डर के कारण से हमारे शरीर की वृद्धि होने लग सकती है, हमारा मोटापा बढ़ सकता है, क्योंकि हमारे इमोशंस हमें अंदर ही अंदर घोलेंगे। उससे हमें कई तरह की स्किन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारी दवाइयाँ हैं। अब कुछ लोगों ने यह भी बात कही थी कि क्या होम्योपैथी में कोरोना के लिए, कोरोना से बचाव के लिए कुछ दवाइयाँ हैं। तो निश्चित रूप से हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन है। जैसे सबसे पहले बताई गई थी आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम यदि 200 पोटेंसी में इस्तेमाल की जाए, यह व्यक्ति को फास्टिडियस बना रही है, उसको बचा के रखने की एक तरह से हिदायत दे रही है कि दूर रहो, डिस्टेंस मेंटेन करो, बार बार हाथ धो। वैसे ही हमारी एक दवा है इन्फ्लुंजिनम। इन्फ्लुंजिनम जो कि किसी भी प्रकार के वायरस को रोकने में सक्षम है, वो दवा का भी हम इस्तेमाल कर किया जा सकता है। एक दवाई है जस्टिसी अडाटोडा। जस्टिसी अडाटोडा के द्वारा हम श्वसन तंत्र की समस्याओं को रोक सकते हैं। एक दवाई है मर्कसाल, जिसमें यह व्यक्ति को लगता है कि वो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, चारों तरफ वो शत्रु है उसके, तब हम मर्कसाल का उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि इसमें गले दुखने की बात, गले में टॉन्सिल्स की बात, और गले से इन्फेक्शन से बचाया जा सकता है। और भी मेडिसिन है चिनिनमार्स, जो कि आजकल हम देख रहे हैं कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को बहुत अच्छी मानी जाती दवा मानी जा रही है कोरोना के लिए। तो चिनिनमार्स, जिसमें कि क्लोरोक्वीन भी है, वह दवाई भी जिसमें कि सूजन की प्रवृत्ति है, शरीर में सूजन आ जाता है, आँखों की पलकों के ऊपर वाली आँख की पलकों में सूजन आ सकता है, ऐसी भी कई तरह की और समस्या है, तो चिनिनमार्स दे के भी हम लोगों को बचा सकते हैं। इसके साथ साथ ही ओसिलोकोकिनम नामक दवा है, ओलीपोरस पीनिकोला नामक दवा है। लेकिन यह सब दवाइयाँ जो हमने बताई है, वो दवाइयाँ समय समय पर जो भी लक्षण आते हैं उसके आधार पर ही उपयोग की जाने चाहिए, तो ही उसके हमको उत्तम और अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। तो दोस्तों, शायद बहुत सारी बातें आज हमने कोशिश की हेनिमेन डे पे, वर्ल्ड होम्योपैथिक डे पे शेयर करने की, लेकिन एक बात मैं निश्चित कहूँगा कि हमें डरना नहीं है, हमें संवरना है, हमें मजबूत बनना है और इस कोरोना को हराना है।
हम डटे रहेंगे और सरकार के बनाए गए हर नियम को पालन करेंगे, क्योंकि उसी में हमारी भलाई है, उसी में हमारा हित है। और जब हम इस समस्या से बाहर आ जाएंगे तो एक नए विश्व का निर्माण करेंगे, जिसमें हमारा अपनापन होगा, हमारा प्रेम होगा, हमारी नई दुनिया होगी और हम लोग मजबूत व्यक्तित्व लिए हुए इस दुनिया को संभालेंगे और भविष्य में आने वाले हर खतरे के लिए फिर से एकजुट होकर तैयार होंगे, खड़े होंगे, लड़ेंगे और विजयी होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हनीमैन, जय होम्योपैथी। थैंक यू।